कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर आज भारत बंद का असर अंबाला के बाजारों में भी देखने को मिला। बाजारों में जहां कुछ दुकानें बंद रही तो ज्यादातर दुकानें खुली रही। हरियाणा किसान यूनियन के नेता जय सिंह बाजारों में बाइक और गाड़ियों से रैली निकालकर दुकानदारों से भारत बंद का समर्थन कर दुकानें बंद करने की अपील करते नजर आए। एसएचओ विजय का कहना है कि जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बाजारों में पुलिस मुस्तैद रहेगी। बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान 4 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। आज भी किसानों द्वारा भारत बंद किया गया है, जो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। भारत बंद के कारण बस और रेल सेवा भी ठप है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंद करने की बात कही अंबाला में, देखिए हमारी प्रॉपर हमारी ड्यूटियाँ रहेंगी, प्रॉपर हमारी पेट्रोलिंग रहेंगी, प्रॉपर हमारी नाकाबंदी रहेगी और जो भी उच्च अधिकारियों की तरफ से या सरकार की तरफ से जैसे भी आदेश होंगे पालना की जाएगी। बाजार बंद करने हमारी प्रॉपर ड्यूटी रहेगी, प्रॉपर नाकाबंदी रहेगी, हम लोग पेट्रोलिंग में रहेंगे। जबरदस्ती और जबरदस्ती किसी को ना करने दी जाएगी, ना जोर जबरदस्ती करने का इसको अधिकार है। ये कोई ऐसा करता पाएगा तो कानून के अनुसार कर। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।